दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो 20 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में मिलने वाली राहत पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसको लेकर एक दिन पहले केजरीवाल कैबिनेट के एक अहम बैठक उन्होंने की। बताया जा रहा है कि कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन से राहत मिलने के कम ही आसार हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के मामलों की समीक्षा के बाद शर्तों के साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट टू में कुछ ढील दिए जाने की बात कही थी। लॉकडाउन से राहत का ऐलान हो सकता है, लेकिन जो दिल्ली में हालात हैं, ऐसी संभावना दिख रही है कि कुछ कम ही राहत दिल्ली वासियों को फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल करेंगे, जिसमें वो 12 अप्रैल यानी सोमवार से लॉकडाउन में मिलने वाली राहत पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है, किस प्रकार की राहत मिल सकती है लॉकडाउन पार्ट टू में? देखिए, जिस तरह की दिल्ली की वर्तमान स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से कल भी जो दिल्ली का डाटा आया है जिसमें संख्या कोरोना पीड़ितों की लगातार बढ़ी है, इस समय दिल्ली के 10 जिलों में कोरोना पीड़ितों की संख्या है, तो इस जो जानकारी हमें मिल रही है अधिकारियों और सरकार के बड़े नेताओं की तरफ से कि बहुत कम स्थिति है कि दिल्ली में किसी तरह का बदलाव किया जाए, यानी जो पहले से लॉकडाउन के नियम चल रहे हैं वही नियम अभी आगे भी चलाने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी तो ये कहा था कि राज्य सरकारें अपने राज्यों की जो स्थिति होगी और जो कोरोना को रेड जोन और बाकी जितने ग्रीन जोन आएंगे उनमें किसी तरह की छूट दी जा सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि अभी दिल्ली में ज्यादा ढील देने का समय नहीं आया है और जो दिल्ली की वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आए हैं उसको देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम है कि सरकार किसी तरह की ढील देगी। हालांकि आज 12 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सारी स्थिति साफ हो जाएगी। जी,